जो चिकित्सा यहाँ दी जाती है वो चिकित्सा ऐसी होती है जिसके अंदर हमें थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखना होता है। तो संयमित जो जीवन है, यानी कि जीवन जीने की जो शैली है, उसको थोड़ा सा परिवर्तित किया जाता है। मैंने जैसा यहाँ पे प्रकल्प देखा है कि भूखा रखा जाता है, डॉक्टर साहब भूखे रहेंगे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, तो भूखा रहना यहाँ का कंसेप्ट नहीं है। उपवास चिकित्सा को आपको अपने जीवन में अपनाना है। उपवास चिकित्सा, जैसा कि गांधी जी का यहाँ आपने ये देखा है कि वो मतलब पूरे साल के अंदर अपना पूरा उपवास चिकित्सा ऋतु अनुसार जो चिकित्सा लेते थे वो उपवास चिकित्सा, यानी कि हर 3 महीने के बाद में आहार की व्यवस्था चेंज होती है, तो उस चेंज अवस्था को हम लोगों को अपनाना है। तो उसके अंदर मिट्टी में अगर आप सर्दियों के अंदर अगर आप चिकित्सा लेंगे, अगर आप डूब जाएंगे, जैसा सर अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या उसका मिट्टी का सर्वाधिक लाभ जो है वो भीगी मिट्टी में होता है, क्योंकि मिट्टी के जो गुण होते हैं वो भीगने के बाद ही उद्वेलित होते हैं। ऐसी मिट्टी बहुत बड़ी रहती है, लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल जो मॉडर्नाइज जितने भी लोग हैं वो स्विमिंग की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो स्विमिंग क्या है? स्विमिंग एक तरीके की जल चिकित्सा है। आप अगर इसको मॉडर्नाइज रूप में देखेंगे तो स्विमिंग एक जल चिकित्सा है, हाइड्रोथेरेपी के नाम से जिसको अपन जानते हैं। और जो समुद्रों के अंदर बहुत टाइम की जो मिट्टी होती है, उनका जो तला होता है या जो तट होता है, उस मिट्टी के अंदर अगर आप थोड़ी देर भी अगर आप वहाँ पे रहेंगे या आप थोड़ी देर वहाँ पे रहेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी बॉडी के अंदर अपने आप चेंज आ रहा है, मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद में हालांकि समुद्र के पानी में नमक होता है, लेकिन नमक से आपकी स्क्रबिंग होती है, आप स्क्रब करोगे, आप मतलब इन चीजों को एक तरीके से मॉडर्नाइज रूप दे दिया। तो मेरा अभी सभी लोगों से, हमारी जितनी भी कमेटी है, संस्था है, उनको ये है कि इस चिकित्सा केंद्र को नवीनीकरण दिया जाए, नवीन आयाम दिए जाएं, जिससे कि लोगों का जो प्रभाव है कि जैसे आप यहाँ पे जूस सेंटर का प्रकल्प स्टार्ट किया है तो भूखा नहीं रहना आपको, आप अपनी लाइफ स्टाइल ज्वाइन करो, आप अपने वर्किंग शेड्यूल को ज्वाइन करो, बट अदरवाइज आप अपनी उपवास चिकित्सा को भी साथ साथ लेके चलो। चाय, कॉफी, भारी आहार, गरिष्ठ भोजन, इन सबको आपको कैरी करना है, आपका सराउंडिंग ऐसा है कि आपको लेना पड़ेगा, बट उसके बाद में उसको आपको कैसे मेंटेन करना है, उसको आपको किस तरीके से अपने जीवन के अंदर ढालना है, उन सब चीजों का जो है परामर्श यहाँ पे निरंतर मेरे को देने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन हाँ, लोगों का मानसिक स्तर इतना विकसित हो चुका है कि वो समझ जाते हैं कि हाँ, इस चीज को हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, इस संदर्भ को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। वो सारी चीजें प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं।